हेलो एवरीवन, आज है 28 नवंबर और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अरविंद लिमिटेड के बारे में। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज इसमें तकरीबन 65% की गिरावट देखने को मिली है। आज ये 108 पे ट्रेड कर रहा है, 202 रुपये की गिरावट है, लेकिन मैं इसको गिरावट नहीं मानूंगा, डीमर्ज हुआ है ये अरविंद लिमिटेड, तीन कंपनियों में डिवाइड हो चुका है। ठीक है, तो मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर हाल फिलहाल में जो इस डीमर्ज के बाद आपको अरविंद लिमिटेड में खरीदारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो मनी कंट्रोल यूजर के अनुसार 68% लोग बाय के लिए बोल रहे हैं, 25% सेल के लिए बोल रहे हैं, 7% लोग होल्ड के लिए बोल रहे हैं। तो आखिर ये डीमर्स का आखिर पूरा मामला क्या है वो भी हम समझते हैं। तो जैसे कि ये हम एक आर्टिकल है जिसको मैंने ओपन कर लिया, जिसमें है कि अरविंद शेयर फेल्स मस्ट 75%। जब ये मॉर्निंग में ओपन हुआ था तब 71% तक इसमें गिरावट आई थी और 90 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा था। ठीक है, डीमर्ज होने के बाद मॉर्निंग में ये 90 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन एंड ऑफ द डे इसमें थोड़ी सी अस्टेबिलिटी आई और 108 रुपये पे ये क्लोज हुआ। अब अगर मैं इसमें बात करूं कि आखिर डीमर्ज होने के बाद कौन कौन सी कंपनीज इसमें से बाहर आई है, तो इसमें से तीन कंपनीज है। तो पहली जो कंपनीज है वो है अरविंद फैशन, जो होल्ड करती है ऑल कंपनीज अंडर ब्रांड रिटेलर्स एंड इंजीनियरिंग सेगमेंट विल बी हेल्ड बाय अनुप इंजीनियरिंग। तो दो है, एक तो अरविंद लिमिटेड खुद हो गया, दूसरा है अरविंद फैशन जो रिटेल और जो फैशन के रिगार्डिंग जो ब्रांड्स है उसको होल्ड करेगी, और थर्ड है अनुप इंजीनियरिंग। अनुप इंजीनियरिंग वो अनु और अगर और अच्छे से अगर आपको समझना है तो एक चार्ट है अरविंद लिमिटेड, और अरविंद लिमिटेड जो डीमर्ज होके एक बनी है, जो अरविंद लिमिटेड है उसमें टेक्सटाइल आएगा, एडवांस मटेरियल आएगा और अदर जो उनके बिजनेसेस है वो आएंगे, और सेकंड है अरविंद फैशन, तीसरा है अनूप इंजीनियरिंग। तो अगर डीमर्ज होने से पहले अगर आपने शेयर खरीद लिए है, आप उससे शेयर होल्डर है, तो आपको एक काफ़ी अच्छा बेनिफिट भी मिल रहा है। अगर आपने अरविंद के शेयर होल्डर हो तो अरविंद शेयर होल्डर विल गेट फर्स्ट गेट 5 शेयर्स ऑफ अरविंद फैशंस। ठीक है, अरविंद फैशन के आपको 5 शेयर मिलेंगे और 27 शेयर आपको मिलेंगे अनूप इंजीनियरिंग के फॉर एवरी शेयर हेल्ड इन द पैटर्न फॉर्म। जितने भी शेयर आपने होल्ड किए हैं उसके हिसाब से आपको 5 शेयर मिलेंगे अरविंद फैशंस के और 27 शेयर आपको मिलेंगे अनूप इंजीनियरिंग के। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन लेकिन अगर मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर मैं इसके फाइनेंशियल रिपोर्ट पे जाऊँ, तो अगर चलो उससे पहले सबसे पहले हम इसके पी रेशियो की बात करते हैं, तो पी रेशियो है 8.62। ठीक है, मार्केट कैप है 2,818 करोड़ का, मार्केट कैप है पी रेशियो 8.62, जबकि इंडस्ट्री पी है 27.14 का है, बुक वैल्यू है 158 की, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.67, 41% की डिलीवरीज है, ईपीएस 12.65 की है। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट की, तभी हम थोड़ा सा अच्छे से इसको समझ पाएंगे। फाइनेंशियल रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो नेट सेल की अगर मैं बात करूं तो दिसंबर 2017 में इनका नेट सेल था तकरीबन 1,600 करोड़ के आसपास, जो मार्च 2018 में बढ़ा है 1,700 करोड़ के आसपास का इनका बढ़ा, लेकिन जून 2018 में हल्की सी गिरावट आई, 1,670 करोड़ के आसपास का बिजनेस रहा, और सितंबर 2018 में एक बार फिर से गिरावट आई। तो मतलब मार्च 2018 से जून में गिरावट आई, सितंबर में भी 1,622 करोड़ का रहा, तो उसमें भी गिरावट आई। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट की हालत थोड़ी खराब है, मैं ये जरूर कहूंगा। दिसंबर 2017 की बात करें तो 60 करोड़ का इस इंडो का नेट प्रॉफिट था, जो मार्च 2018 में बड़ा है 68 करोड़ के आसपास रहा, लेकिन जून 2018 में गिरावट है 63.74 करोड़, और सितंबर 2018 में नेट प्रॉफिट में बहुत ही बड़ी गिरावट है 45
करोड़ के आसपास का इनका नेट प्रॉफिट रहा, तो मैं इसको काफ़ी बड़ी गिरावट मानूंगा। और अगर मैं इसके टोटल डेब्ट की बात करूँ तो 2,500 करोड़ का कर्जा है, एसेट्स की बात करूँ तो 5,600 करोड़ के इनके पास असेट्स है, लेकिन डेब्ट बहुत है। अब डीमर्ज होने के बाद ठीक है, जो कर्जा किस कंपनी पर कितना बढ़ेगा वो एक देखने वाली बात होगी, उसके बाद ही मैं इसमें कोई फैसला ले सकता हूँ इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। अगर मैं प्रमोटर होल्डिंग की बात करूँ तो प्रमोटर होल्डिंग जितनी थी उतनी ही है सितंबर से लेकर अब तक, ठीक है, पब्लिक होल्डिंग अब बाकी की है। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड होल्डिंग की अगर मैं बात करूँ तो HDFC मिड कैप में 1 करोड़ के आसपास की होल्डिंग है, कोटक वालों के पास 38 लैक्स के आसपास की होल्डिंग है, तो फ्रैंकलिन इंडिया के पास 16 लाख के आसपास की होल्डिंग यहाँ पे मुझे देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल इसको देखने के बाद मैं ये कहूँगा कि 108 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, लेकिन जिन लोगों ने खरीदा है वो उसको होल्ड करें, डेफिनेटली उनको अरविंद फैशंस और अनुप इंजीनियरिंग के शेयर्स मिलेंगे, कितने में मिलेंगे वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जो नए लोग हैं जिन्होंने अभी तक इसमें होल्डिंग नहीं की है, जिन्होंने शेयर नहीं खरीदा है, उनके लिए हाल फिलहाल अरविंद लिमिटेड में इन्वेस्ट ना करें। कुछ दिन गुजर जाने दीजिए, देखिए कि पहले किन कंपनी के ऊपर कितने कितना पैसा और कर्जा डिवाइड होता है, किस तरीके से उनके रिटर्न्स आएंगे, तो वो सब देखने के बाद आप कोई फैसला लीजिए। अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए क्योंकि मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में शायद थोड़ी गिरावट आ सकती है। तो अगर आप इसमें खरीदारी करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से शायद आप 2-3 हफ्ता वेट कर लीजिए, उसके बाद आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो एंड करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।